रिनेश है नई दिल्ली से. रिनेश गुड आफ्टरनून, क्या क्वेश्चन है आपका? इनफैक्ट नितिन हमारे साथ मौजूद है. नितिन गुड आफ्टरनून, क्या सवाल है? हाँ गुड आफ्टरनून मैडम. मेरे पे हैं दो शेयर हैं, एक तो प्रभात डेयरी है, मेरे पे 110 रुपए पे मैंने 100 शेयर लिए हैं, और एक कैमरिन फाइनेंस है 100 रुपए पे 5000 शेयर लिए हैं. दोनों पे ही 3 साल का नजरिया है मेरा. संदीप जी से मेरे को सवाल थी. ठीक है संजीव गुड आफ्टरनून. प्रभात डेयरी है इनके पास, 99 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, 100 प्लस का इनका परचेजिंग प्राइस है, और 3 साल के पर्सपेक्टिव से होल्ड कर सकते हैं. दूसरा इनके पास कैमलिन फाइव साइंसेस, यहाँ भी इनका खरीद ऊपरी स्तरों पर है, 96 रुपए पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. क्या स्ट्रैटेजी आप दोनों शेयरों में लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से रिकमेंड करेंगे? गुड आफ्टरनून दीपाली. देखिए प्रभात डेयरी के लिए तो मेरा होल्ड कॉल ही होगा, क्योंकि इनका टाइम होराइजन 3 ईयर का इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया. तो प्रभात डेयरी एक अच्छी कंपनी है, और डेयरी प्रोडक्ट डेयरी स्टॉक्स में हम आगे चल के मूवमेंट देख सकते हैं. प्रभात डेयरी ने कुछ एक्सपेंशन प्लान भी किए हुए हैं, तो आगे चल करके ये स्टॉक अच्छा रिटर्न इन्हें दे सकता है. सेकेंड स्टॉक आपने क्या बताया था? कैमलिन फाइनेंसेस. कैमलिन फाइन में भी अच्छी कंपनी है कैमलिन फाइन, और इनका टाइम होराइजन क्योंकि लंबी नजरिया इनका लंबा है, तो ये दोनों ही स्टॉक में होल्ड करके रख सकते हैं. कैमलिन फाइन भी इन्हें एक अच्छा रिटर्न यहाँ से दे सकता है गोइंग फॉरवर्ड.